din din da ti ti ta ti ti ta 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 dha. नमस्कार, मैं फिर आप सबके सामने उपस्थित हो गई हूँ। आज हम बात करेंगे तिहाई के बारे में। कोई भी बानी या बोल को तीन बार अगर हम बोलेंगे तो उसे तिहाई कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि तीन बार बोलने वाले चीजों को तिहाई कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ तिग्धा दिग दिग थे तिग्धा दिग दिग थे तिग्धा दिग दिग थे तो ये तिहाई होता है। तिहाई कोई भी मात्रा से शुरू हो सकता है और सम पे आता है। शुरू में जब हम भी छोटे थे तब हम तिहाई ऐसे सीखे थे और इस तरह से तिहाई का इस्तेमाल होता था कोई भी चीज के अंत पे जैसे तत्काल खत्म हो रहा है तो तिहाई होता है या हम गद करते हैं उसके अंत पे तिहाई होता है। पर अभी महाराज जी ने तिहाई को इतना सुंदर रूप दिया है, अपने तिहाई इटसेल्फ एक आइटम बन गया। अभी किसी चीज को अंत करने के लिए तिहाई तो हम करते ही है, पर अलग से खाली तिहाई को भी हम प्रस्तुत करते हैं और इसका बहुत सारे रूप है। कुछ तिहाई होता है जो केवल अंक के साथ होता है, एक दो तीन चार, जिसे कहते हैं गिनती के तिहाई। कुछ तिहाई जैसे नृत्य के बोल ताते के साथ होता है। कुछ तिहाई भाव के ऊपर भी परफॉर्म किया जाता है। ऐसे बहुत अलग अलग तिहाई है। इसके अलावा जैसे दमदार तिहाई विदमदार तिहाई ऐसे बहुत कुछ है। आज हम गिनती के तिहाई के बारे में बात करेंगे। मैं एक तिहाई पढ़ के सुनाती हूँ और मेरे बच्चे आपको करके दिखाएंगे। धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा ना दिन दिन ना धा दिन दिन धा एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः सात धा एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः सात धा एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच छः सात धा। इसमें जो गैप है उसको जब हम प्रस्तुत करेंगे तो वो गैप को हम क्लैप के साथ दिखाएंगे। तो इसको इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं, एक दो तीन क्लैप एक दो तीन क्लैप एक दो तीन चार पाँच क्लैप एक दो तीन चार पाँच क्लैप एक दो तीन चार पाँच छः सात क्लैप क्लैप धा। देख लेते हैं।
चलन बहुत सुंदर है, आशा है आप लोगों को अच्छा लगा। एक और गिनती के तिहाई, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन ना धा दिन दिन धा, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात नौ, नौ धा, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात नौ, नौ धा, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात नौ, नौ धा। एकदम बेसिक है ताकि बच्चे और यंगस्टर्स इसको सीखे और कर सके। इसके बाद मैं सोचूं कि एक के बाद एक ही क्लास में दो तीन वैरायटी ऐसे अलग अलग तिहाई मैं बताऊंगी। फिर मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इतना कुछ है कि अगर हर एक चीज को डिटेल में करने जाए पता नहीं कितने दिन लग जाएगा, इसलिए हम हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।